I want nobody but you. 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 Hello everyone, मैं हेमा और मेरे चैनल का नाम है हेमा ब्लॉग उज्जैन और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेमा ब्लॉग उज्जैन में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रूखे सूखे हैं, बेजान हो गए हैं, आपके बालों में जान नहीं है, उसमें जान लाना चाहते हैं और हेयर ग्रोथ रीग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप लोगों के साथ मैं एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, हेयर टॉनिक, जो कि घर में बहुत ही आसान तरीके से किचन के चीज़ों से बन जाएगी और बहुत ही आसानी से आप उसको यूज कर पाएंगे। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि प्याज मतलब अनियन कितना इफेक्टिव बालों के लिए, आप खा भी सकते हैं वो भी फ़ायदा करता है, खाएं ज़रूर और लगाना भी उतना ही फ़ायदा करता है, तो लगाना और खाना दोनों है। तो आप लोगों को लगाना कैसे है, उसको बनाना कैसे है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बनाना कैसे है। पहले तो क्या करेंगे, दो प्याज तीन चार प्याज लेंगे छोटे छोटे, जो छोटी वाली अनियन होती हैं, जो बेबी अनियन होती है वो वाला लेंगे, बड़ी वाली नहीं लेंगे क्योंकि छोटी वाली ज़्यादा फायदा कर इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि छोटी वाली अनियन लें जो बेबी अनियन होती हैं, तो छोटी ले। कलर नहीं देखें कि जैसे कोई कोई बोलते हैं कि कलर डार्क होना चाहिए, डार्क पिंक हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ऐसा नहीं है, कलर कोई सा भी हो बेबी अनियन होनी चाहिए बस। तो आप छोटे छोटे तीन चार पाँच छः जैसे आपके बाल हों उस अकॉर्डिंग आप अनियन ले लें, इतने छोटे छोटे जो होते हैं, अगर नहीं है छोटे तो बड़े भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, उसके जैसे बड़े के अकॉर्डिंग छोटी वाली ज़्यादा फायदा करती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप अगर बड़ी है तो दो लें और छोटी है तो पाँच छः ले लें, छोटी छोटी रहते हैं तो उसमें जूस ताकि निकल आए आपके बालों के लिए। तो उसको छील लें, अच्छे तरीके से धुल लें, अगर धुलने लायक हो उसमें गंदी हो तो धुल लें और फिर उसको काट के और ग्राइंड कर लें और इसके बाद उसका जूस निकाल लें, अच्छे तरीके से जूस निकल आए तो उसमें दो और एक चीज दो चीज़ें और डालनी हैं, एक कैस्टर ऑयल डालनी है एक से डेढ़ चम्मच और वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है तो ज़्यादा नहीं डालना है, ये जूस है तो इसमें अच्छे से डिल्यूट हो जाएगा ताकि आपके हेयर में ज़्यादा चिपचिपापन भी नहीं रहेगा, जैसे कि जूस भी रहेगा। और उसमें फिर उसके बाद डालेंगे कैस्टर ऑयल डालेंगे, इसके बाद हम ग्लिसरीन भी डालेंगे, ग्लिसरीन भी बहुत ही अच्छी होती है अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, फेस के लिए, सभी लोग जानते होंगे, हेयर के लिए बहुत ही कम लोग जानते होंगे, हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ग्लिसरीन। तो उसके ग्लिसरीन को भी डालें एक चम्मच, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। और फिर इसके बाद डालें स्मेल ख़त्म करने के लिए एसेंशियल ऑयल डालेंगे, तो हम रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालेंगे आठ से दस बूंद, तो उससे स्मेल भी थोड़ा सा, जो प्याज का स्मेल होता है उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी स्मेल आने लगती है तो अच्छी खुशबू आने लगती है, तो लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप लगा पाते हो आराम से। तो आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये दो ऑयल डाल लें, नहीं तो वो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ें डालेंगे तो प्याज का अपने आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम हो जाएगा, स्मेल जो हो तो उसको थोड़ा सा कम हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है गाइस, यहाँ पे कहीं बाजा, कहीं गाड़ी, कहीं वॉशिंग मशीन, कुछ भी, मतलब कभी ना कभी, मतलब मैं दो तीन बार वीडियो रोक के बनाऊँ फिर भी कुछ ना कुछ अभी बैंड बाजा ही बजने लगा लो। तो बस उसको मिक्स करें अच्छी तरीके से, फिर आप चाहे तो इस स्प्रे बॉटल में डाल के और अच्छे से स्प्रे कर के ऐसे ऐसे करके लगाएं और बीच बीच से मांग निकाल के फिर ऐसे हाथों से भी लगाना है, स्प्रे करें फिर भी उंगलियों से ऐसे मसाज करना है, तो आप मसाज करते हुए लगाएं ताकि जो भी रिजल्ट हो तो और अच्छा मिले, जो भी अच्छे गुणवत्ता हैं उसके प्याज के सब आपके बालों में आ जाएँ
और कैस्टर ऑयल भी आप लोगों को पता है कि रीग्रोथ, हेयर ग्रोथ सब कुछ वो करता है, तो आप लोग अनियन ऑयल में लगाएं। किसी भी तरीके से कैस्टर ऑयल यूज करना ही करना है, चाहे आप ऑयल में मिक्स करके लगाएं या फिर प्याज के रस में या फिर दही में, किसी भी चीज़ में मिला के लगाएं, कैस्टर ऑयल जरूर लगाया करें। उससे हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे फास्ट होती है, तो आप लोग कैस्टर ऑयल तो जानते ही होंगे। तो बस उसको लगा लेंगे अच्छे तरीके से, फिर बांध लेंगे बालों को और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में वॉश कर लेंगे जैसा कि मैंने किया है, और ये भी देख सकते हैं कि रिजल्ट कि और मुझे कितने शाइनी और सिल्की, आधे गीले भी हैं फिर भी एकदम सिल्की शाइनी दिख रहे हैं। तो बस ऐसे बाल हेयर पाना हो तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा जरूर कि कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगती है, ये भी बताया कीजिए। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी होम रेमेडी या हेयर टॉनिक, हेयर पैक, ये सभी जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ये सब आप लोगों के साथ भी वर्क करती है नहीं, फ़ायदा करती है नहीं, अच्छी रहती है या नहीं, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये सभी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी जो आपको चाहिए। और जो मैं करती हूँ अपने बालों में, जो अप्लाई करती हूँ, जो ट्राई करती हूँ, सभी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि जो मुझे फ़ायदा करता है, मेरे बालों को हेल्दी रखता है, तो आप लोगों को भी वो लाभ मिले। और आप मेरे बताने का तरीका भले ही थोड़ा सा अच्छा ना लगा हो, लेकिन मेरी जो होम रेमेडी होती हैं, होम रेमेडी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, और जो मेरे पे वर्क करती हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, बस आज की वीडियो यही थी, और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबाकर बगल में बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग एंड वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।